नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोहियां। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आई रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पीएम मोदी बोले, कोरोना ने धीमी की रफ्तार, लेकिन आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत का संकल्प बरकरार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में वैक्सीनेशन केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। गुजरात सरकार ने निजी और सरकारी कार्यालयों को 7 जून से 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की दी अनुमति। केरल सरकार ने 20,000 करोड़ के दूसरे कोरोना पैकेज का किया ऐलान। निःशुल्क टीकाकरण में खर्च होंगे 1,000 करोड़। कैप्टन अमरिंदर ने 2 घंटे कमेटी के समक्ष रखा अपना पक्ष, सारे आरोपों का दिया जवाब। गाजियाबाद में अखिलेश ने खेला बड़ा दांव, बसपा से निष्कासित विधायक की पत्नी को बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। श्रीनगर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद, सड़कें सुनसान दिखी, आवश्यक सेवाओं को छूट। एमएलसी टुन्ना पांडे भाजपा से निलंबित, सीएम नीतीश के खिलाफ बयान देने पर मिली सजा। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया गया। कानपुर शहर के बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया को किया गया गिरफ्तार। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़ी। महाराष्ट्र से बिहार जा रही क्रूजर की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत 14 घायल। आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज के लिए भेजने की याचिका पर सुनवाई को तैयार। अमेरिकी कंपनी ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, सिंगल चार्ज में चलेगी 96 किलोमीटर। ब्रिटिश दवा नियामक ने देश में 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। भारत के पक्ष में खड़े हुए सीनेटर शुमर, बाइडेन से कहा, 8 करोड़ डोज वैक्सीन में भारत का हिस्सा अलग करो। टीवी की संस्कारी गोपी बहू ने दिखाया अपना बोल्ड अवतार, डीप नेक ड्रेस में वीडियो हो रहा वायरल। सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ड्रग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोहियां। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।